दिल्ली में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अचानक अपराधों में इजाफा हो गया है। कहीं पर पंचायत चुनाव में चल रही रंजिश निकल कर सामने आ रही है, तो कहीं जमीनी रंजिश आपसी दुश्मनी सामने आ रही है। अमेठी जिले में अभी 12 वर्षीय मासूम दलित किशोरी की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं पड़ पाया था, तभी एक दूसरे दलित अधेड़ की लाश पेड़ में फांसी के फंदे पर लटकती हुई पाई गई, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया, क्योंकि कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर यह दूसरी दलित की लाश है जो फांसी के फंदे से लटकती पाई गई है। ताजा मामला अमेठी जनपद के मोहनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रास्ता मऊ के बहादुरपुर गांव से प्रकाश में आया है, जहां पर लगभग 54 वर्षीय दलित अधेड़ राज बहादुर कल शाम को 7 बजे अपने घर से निकला हुआ था। देर रात जब वह घर वापस नहीं आया, तब घर वालों ने समझा कि कहीं पर निमंत्रण देने गए होंगे, क्योंकि घर में शादी पड़ी हुई थी, इसलिए किसी ने इस बात की चिंता नहीं की और कोई ढूंढना भी नहीं चाहा। सुबह जब घरवाले सोकर उठे, तब गांव वालों के द्वारा पता चला कि गांव के बाहर किसी के द्वारा फांसी लगा ली गई है। जब घरवाले वहां पहुंचकर देखे तो वह लोग दंग रह गए। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को फांसी के फंदे से उतार कर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। मृतक के पुत्र ने बताया कि हमारे पिताजी का पैर जमीन पर रखा हुआ था, इसलिए वह फांसी नहीं लगा सकते हैं, उनको किसी ने मारकर फांसी के फंदे पर टांग दिया है। प्रथम दृष्टया देखने से मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे, जिस हिसाब से तहरीर दी जाएगी, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अमेठी से रणबीर सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं बहादुरपुर का रहने वाला हूँ, मोहनगंज। कल मेरे साथ पिताजी वही शाम को 7 बजे घर से निकले थे और लौट के नहीं आए, तो ये हुआ होगा कि शादी पड़ी थी घर में, हो सकता है कि न्योता बांटने गया, इस वजह से कोई ढूंढने नहीं गया। और सुबह जो है हम लोग सो उठे तो गांव में 2-4 लोग बता रहे थे कि वहाँ किसी को फांसी लगा दी। मौके वारदात पर जाके देखा कि वो पिताजी थे, तो फिर ग्रामवासियों ने फ़ोन करके जो है थाने फ़ोन करके बुलवाया पुलिस वाले को, और उसके बाद जो है यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। क्या लग रहा है आपको कि फांसी लगा ली है? सर अब मेरे को तो लगता है कि फांसी का, क्योंकि पैर वैर जमीन में रखे हैं तो फांसी कैसे लग जाएगी, दिक्कतें तो इस वजह से पोस्टमार्टम में अपनी रिपोर्ट आएगी, हमारी समझ में तो फांसी नहीं है। आपने थाने पर तहरीर दी? जी नहीं, वो तो सीधा यहाँ लेके चले आए पोस्टमार्टम के लिए, ग्रामवासियों ने फ़ोन किया था। अब उसी समय हमारी ताब नहीं था कि सर क्या करें क्या ना करें। कहाँ गए?